नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। बहराइच के जिला अस्पताल से एक चौंका देने वाला मामला निकल के सामने आया, जहां फर्जी तरीके से भर्ती मरीज अपने विपक्षियों को देखकर भागता हुआ दिखाई दिया। पीड़ित का आरोप है कि अभी हाल ही में उसके बॉस के समर्थकों द्वारा पीड़ित के खेत में उत्पाद बचाया गया था, जिसके कार्यवाही को लेकर पीड़ित द्वारा कोतवाली देहात में शिकायती पत्र सौंपा गया। कार्यवाही से बचने के लिए विपक्षी अस्पताल में भर्ती दिखाकर अस्पताल में भर्ती है। जब आज पीड़ित युवक अपनी मां को अस्पताल लेकर गया था, तभी अचानक उसकी नजर जिला अस्पताल परिसर में लगे पेड़ के नीचे बीड़ी पीते एक युवक पर गई। जब उसने करीब जाकर देखा तो उसे पता चला कि यह तो वही युवक है जिसके द्वारा उसके समर्थकों द्वारा उसके खेत में उत्पात मचाया गया था। बिना देरी किए युवक द्वारा उसकी वीडियो बना ली गई, जिस वीडियो के आधार पर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा है और लिखा है कि साजिश के तहत उसके परिवार को फंसाने के उद्देश्य विपक्षी अस्पताल में भर्ती होकर फर्जी डॉक्टरी करवा रहा है, जबकि विपक्षी अस्पताल के बाहर बैठकर बीड़ी पी रहा है, जिसकी वीडियो कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित युवक ने जांच कराकर आरोपी के विरुद्ध नियम अनुसार वैधानिक कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है तुम्हारा? साजन नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? थाना देहात कोतवाली। मामला ये है कि सर, विपक्षी पार्टी वाले दबंगों को लेकर आए, जो खेत पे पिलर वगैरह सब तोड़ दिए, जो हमने लगाए थे कि गाय भैंस से बचा रहे, वो सब तोड़ दिए, सामान जो भी था उसको लूट के लेकर चले गए। सर, हमारे अब्बू ने एप्लीकेशन दी थी उसी के मामले में, पर थाने से भी कोई सुनवाई हो रही नहीं है और जा रहे हम लोग, भाग दौड़ भी कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। और हमने अभी आज देख गए थे अम्मी को लेकर हॉस्पिटल, तो वही शायद वहाँ देखे कि विपक्षी पार्टी का एक फर्जी मतलब एडमिट हो गया है वहाँ। पहले हम देखे तो बीड़ी पी रहा था सर, तो हमने मतलब उसकी वीडियो बना रहे थे, फिर उसने हमको देखा तो भागते भागते अस्पताल के अंदर भाग गया। अभी ऐसा कर रहे हैं कि हमको ही फंसा देंगे उल्टा, और हो सकता है सर थाने वाले भी कुछ मिले हैं उनसे। लाल मोहम्मद नाम है उनका, फर्जी, और हमने देखा भी है वहाँ पे, उसका नाम लिखा हुआ है एडमिट बुक कार्ड जो होता है उसमें है उसका नाम। किसी भी तरीके से वो फंसा सकते हैं, अपने हाथ से ही अगर हाथ पे थोड़ा सा स्क्रेच मार के चले जाएंगे, फिर हम लोग तो परिचित घर से पढ़े लिखे झगड़ा लड़ाई करते नहीं है, तो फिर वो चले जाएंगे, हमारा तो फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा ना। फिर एक बार केस लग गया तो फ्यूचर ख़राब हो गया, फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमारी बस यही अपील है कि जो भी है जल्द से जल्द हमें इंसाफ दिया जाए बस, और काफ़ी परेशान है बहुत सारी दिक्कत।